आप बीबीपीएससी के लिए जब आप जाओगे तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए जो आपके पास उपस्थित हों, तो उन कागजों के ऊपर बात कर लें। देखो भैया, एक चीज समझ लो कि जिन बच्चों के पास दसवीं की मार्कशीट है, आपने फॉर्म दसवीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा होगा, तो दसवीं क्लास की मार्कशीट, और जिन बच्चों की सनद मार्कशीट अलग होती थी, पुराने बच्चे, तो अपनी सनद भी ले जाएं साथ में। अब तो सनद मार्कशीट एक साथ आ रही है 2010 के बाद में। तो आप प्यारे बच्चों, यानी कि मार्कशीट अपनी दसवीं क्लास की, साथ के साथ बारहवीं की अपनी मार्कशीट साथ लेकर जानी है, तैयार रखनी है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था बेटा, उसकी जो आपके पास कॉपी होगी ना वो फॉर्म, तो अपना फॉर्म, अपना प्यारे बच्चों आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका मूल निवास, डोमिसाइल आपका प्यारे बच्चों, मूल निवास के साथ अगर आपका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको प्यारे बच्चों यानी कि जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। फाउंडेशन बैच दिसंबर तक खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, दिसंबर तक ही हमने टाइम रखा है कि 3 महीने के अंदर आपका फाउंडेशन बैच हम कंप्लीट पूरा करा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास होना चाहिए, साथ के साथ आपका अगर ईडब्ल्यूएस आपने लगाया है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर्म की डेट के समय का, यानी कि फॉर्म की लास्ट डेट के समय का। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी एक फोटोकॉपी आपके पास हो। आप प्यारे बच्चों अभी गांव के प्रधान से अपना क्या बनवा सकते हैं उसी समय बनवा लेना, ये तो एक दिन का काम है, वो मोहर मार के दे देगा कि आपका चरित्र ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका आपके पास हो। अगर आपके फॉर्म में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो उसके लिए एक एफिडेविट भी लगता है बेटा, तहसील से वो एफिडेविट बनवा ले, वो चल जाएगा अगर आपकी गलती है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो फॉर्म भरा जाता है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरा जाता है, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीजें प्यारे बच्चों 10वीं के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म भरा है आपने। अगर किसी और डॉक्यूमेंट में, मान लो भैया मूल निवास में कोई दिक्कत है, आधार कार्ड में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उन्हें आप अभी करेक्ट करा लो, अभी समय है, ठीक है ना। उस समय अचानक से फिर सही करवाओगे नहीं मिल पाता है समय, और अपने 8-10 भैया साफ साफ से फोटो खिंचवा लेना, व्हाइट बैकग्राउंड में अपना आप साफ से दिख रहे हो, टोपा ऊपर ना लगाया हो, तो सिंपल सरल आप अपने फोटो भी तैयार रखें, ठीक है जी। सर जी मेरा इंटरमीडिएट की मार्कशीट में नाम रंजीत कुमार है, मैं इसी नाम वाली अपलोड कर दी थी। ए भाई साहब, तुम क्यों ध्यान नहीं देते उस समय, ठीक है, करेक्शन करवा लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मार्कशीट में करेक्शन इतना आसान नहीं होता है रंजीत यादव जी, मार्कशीट के लिए आपको समय लगता है करेक्शन कराने में, इतनी जल्दी से मार्कशीट में करेक्शन नहीं होता है। तो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा हो, और अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके में कोई भी दिक्कत है तो आप उसे समय से ठीक करवा लो, ये बात मैं आपको बता के चल रहा हूं पहले से ही, ठीक है ना भाई। हाँ तो भैया बिल्कुल, कहीं से भी अपना मतलब आप प्रधान से ही बनवा लेना चरित्र प्रमाण पत्र, उस समय ही जरूरत पड़ती है। एफिडेविट तब लगेगा जब आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी, ठीक है ना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए एफिडेविट एक्सेप्टेबल होता है। बाकी अपने फोटो बनवा के तैयार कर लें, अपने ये सारे डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस लगाया है तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर मैं कहूं आपसे अपने आपको आपको प्रिपेयर रखना है, तो ये नहीं डीमोटिवेट की रोज हम 3 वीडियो तो उसी की देख रहे हैं कट ऑफ की, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि लगभग अगर प्यारे बच्चों लगभग अगर आपके जनरल में 90+ नंबर है तो आप सेफ मानो फिजिकल के लिए, उम्मीद लेकर चलो मैं तो ये कह रहा हूं, 95 बताएं वैसे मैंने क्वेश्चन आपको, लेकिन अगर 90 भी हैं तो फिर भी मैं कह रहा हूं कि कई बार भाई इसमें पता नहीं चलता है, चीजें 19-20 हो जाती हैं, पता चलेगा नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है कि शिफ्ट को उस आधार पे, तो अपना थोड़ा थोड़ा फिजिकल लगातार करते रहें, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें। सर कट ऑफ बताओ ना भाई साहब, मैं 3 बार बता चुका हूं कट ऑफ, मैं डेली कट ऑफ ही बताऊं, हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा फिर बताएंगे कट ऑफ आपका, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, इतनी चीजों को बच्चों ध्यान रखना है, बाकी